बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किस टाइप के रिएक्शन करते हैं? मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन अब किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशी विद एन अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विच रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड के केस में आपने पढ़ा है कि इसमें क्या आता है, पोलैरिटी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक्स पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, पोलैरिटी डिफरेंस आ जाता है। अब आर ग्रुप जो होगा, अल्काइल ग्रुप जो होगा, वो एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और एक्स ग्रुप जो होगा वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा, वो किस पे आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, जो कि क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा, लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। अब जिस वक्त यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा अल्काइल हैलाइड के ग्रुप में, ये अल्काइल हैलाइड के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं, इट्स मीन के बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। एक्स क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। तो इस रिएक्शन में जो रिमूव होगा उसे क्या कहा जाता है, लिविंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियो रिएक्शन को एक नज़र देख लें कि न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, कि उसके पास लोन पेयर होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, वो अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड के केस में कार्बन एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास डेफिशिएंसी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक्स एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। जिस वक्त बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और एक्स जो हैलोजन ग्रुप होगा वो वहां से रिमूव होगा, जिसे लिविंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में अगर आप देखें, अब न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन किया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, OH ग्रुप है। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज भी है, अल्काइल हैलाइड भी, जिससे कि रिएक्शन करेगा तो लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन के साथ, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, अल्कोहल प्लस आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, CH3O, अब अगेन ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप आ जाता है। आयोडीन अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे, वो उसके साथ अल्काइल हैलाइड ही बन रहा है, और साथ में क्लोरीन जो हो रहा है लिविंग ग्रुप पे एक्ट कर रहा है, एज अ लिविंग ग्रुप आ रहा है, ठीक है। हम इसको अब अल्काइल हैलाइड के केस में इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब कुछ जो टर्म्स यूज हुई हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले रिएक्शन बताया हुआ, रिएक्शन में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को मेंशन किया हुआ एनयू से, प्लस रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ बना रहा है, और एच यहाँ से रिमूव हो गया एज अ लिविंग ग्रुप। द बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप इज ब्रोकन। अब यहाँ से पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा जो लिविंग ग्रुप के साथ है, जिसने रिएक्शन में छोड़ देना है रिएक्शन को, ठीक है। द लिविंग ग्रुप टेक बोथ इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म द बॉन्ड विद इट। अब लिविंग ग्रुप जो होगा, जाहिर है ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पे तब एक्स पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एफिशिएंट है, और कार्बन पे तब क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी हो गई है। द न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द न्यू बॉन्ड। अब यहाँ पे जो कार्बन पे डेफिशिएंसी है, इसको कौन फिल करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जिसके पे लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ये इसके साथ क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को क्या कहा गया, सब्स्ट्रेट कहा गया, जिस वक्त रिएक्शन करेगा एक बना देगा प्रोडक्ट और एक बन जाएगा लिविंग ग्रुप, ठीक है। तीन टर्म्स यहाँ पे न्यू है, न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्ट्रेट है, और लिविंग ग्रुप है। सब्स्ट्रेट पे रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में एक लिविंग ग्रुप भी बनेगा, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, वो दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है SN1 कहा जाता है, और दूसरे को SN2 कहा जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन
जो हमने जनरल बताया इसी तरह आगे जाएगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको डिफरेंशिएट किया गया, एक को एस एन वन कहा गया और एक एस एन टू कहा गया। अब एस एन वन क्या होता है? अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। ये एस एन वन जो होता है दो स्टेप में होता है, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और इसे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब दो स्टेप्स में पहला स्टेप क्या होगा कि पहले स्टेप में यहाँ पे आर एक्स अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में एक अल्काइल ग्रुप होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलाइड जिसपे नेगेटिव आता है, और हैलाइड जो है वो लीविंग ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पे एल से इसको मेंशन करते हैं, ठीक है, लीविंग ग्रुप है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा कार्बन और हैलोजन के दरमियान, कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और लीविंग ग्रुप एल यानी कि एक्स जो होगा उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये स्टेप वन है, ठीक है। स्टेप टू पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इसको स्टेबल कर देगा, ठीक है। ये दो स्टेप्स में होता है। अब रेट डिटरमाइन स्टेप इसमें से कोई एक स्टेप है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है क्योंकि पहले स्टेप में क्या बन रहे हैं, आइंस बन रहे हैं, और आइंस बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सेकंड स्टेप जिस वक्त आइंस बन जाते हैं रिएक्शन फास्टली होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि रेट डिटरमाइन स्टेप वो होता है जो स्लो स्टेप होता है, इट्स मीन कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्टेप वन पे, ठीक है। और स्टेप टू फास्ट स्टेप है, जिस वक्त आइंस बन जाते हैं और तो विद इन नो टाइम प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पे डिपेंड, इस स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब यूनिमोलिक्यूलर वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि ये किस वक्त आइंस में कन्वर्ट होगा, तो वो रेट डिटरमिन स्टेप होगा, ठीक है। एस एन वन सब्स्टिट्यूशन थ्रू न्यूक्लियोफाइल, और वन फॉर यूनिमोलिक्यूलर है कि एक मॉलिक्यूल जो कि सबस्ट्रेट है सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट पे रिएक्शन हो रहा है, किस पे कन्वर्ट हो रहा है, आइंस में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में लिविंग ग्रुप पे। अब जो आइंस है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसे एस एन वन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब एस एन वन को जनरल पहले क्या था, अब इसको अगर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर ये देखें एग्जाम्पल में दो अल्काइल ग्रुप है, एक मेन कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। द रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट एंड द सब्सट्रेट बट नॉट द न्यूक्लियोफाइल। यूनिमोलिक्यूलर इसी वजह से कहा जाता है कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अ टू स्टेप प्रोसेस सिंस द सब्सट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बोथ अपीयर इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये टू स्टेप प्रोसेस है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अपीयर नहीं होते, ठीक है। अब ये क्या होंगे, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होंगे, फॉर्म अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ठीक है। अगर मोस्ट रेडिली विद टर्शियरी हैलोजन्स एंड सम सेकेंडरी। अब ये भी आपने देखते हैं कि कौन से अल्काइल हैलाइड में मोस्टली ये फेवरेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे क्या आता है, आइंस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट ये जिस पे कार्बोकैटाइन सी पॉजिटिव जो है इसको क्या कहा जाता है, कार्बोकैटाइन, ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ट्रांजिशन स्टेट जिस वक्त बन जाएगी तो फास्टली रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल जाके इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया, ठीक है, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड इन एस एन वन प्रोसेसेस आर sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइकोनर प्लेनर स्पीशी विद एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अब कार्बोकैटाइन किस वक्त होगा, जिस वक्त कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब कार्बन पॉजिटिव जिस वक्त आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गया, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, और कार्बन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। दिस स्पीशीज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एंड वेरी रिएक्टिव। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस वजह से हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। आइंस में आइंस ऐसे भी रिएक्टिव होते हैं, तो कार्बोकैटाइन भी हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में भी आप देखते हैं पी एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अ कार्बोकैटाइन विद थ्री ग्रुप्स अराउंड सी इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइकोनर प्लेनर एंड कंटेन अ वैकेंट पी ऑर्बिटल एक्सटेंडेड अबव एंड बिलो द प्लेन।
कार्बोकैटाइन की बात की जाए तो कार्बोकैटाइन चार तरह के होते हैं, ठीक है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। अब फर्स्ट वन क्या है, वो कार्बोकैटाइन जिसमें कार्बन के साथ कोई भी नेक्स्ट कार्बन अटैच नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कार्बन, इसके साथ तीनों क्या हाइड्रोजन अटैच है, कोई भी इसके साथ आके कार्बन अटैच नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या कहा जाता है, मिथाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आप जाएं तो कार्बन जिसके साथ एक कार्बन अटैच है, ठीक है। अब एक कार्बन होगा अटैच होगा तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कहा जाता है। सेकेंडरी वो होगा जिसमें एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस वो इन रिटर्न दो कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, उसे सेकेंडरी कहा जाता है। और टर्शरी वो कार्बन जिसके साथ तीन कार्बन अटैच है उसे क्या कहा जाता है, टर्शरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है, ठीक है, उससे सेकेंडरी होते हैं प्राइमरी और मिथाइल, ठीक है। जितने आर ग्रुप ज़्यादा अटैच होते जाएंगे उतना ही वो उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, तीन आर ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप है, आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का भी बताया हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगी, कार्बन को देने की कोशिश करेगा, ठीक है, और कार्बन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब तीन आर ग्रुप है तो तीनों इसको स्टेबलाइज करेंगे, इस वजह से ये हाईली स्टेबल है। सेकेंडरी की केस में क्या है, दो आर ग्रुप है तो ये दोनों उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी उससे लेस इस वजह से है कि उसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन ये एक ही अल्काइल ग्रुप है ना CH, ठीक है, सेंट्रल के साथ अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और CH3 सबसे लेस इस वजह से इसके साथ कोई भी आर ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से टर्शरी हाईली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर वंस, ठीक है। एक क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देने की कोशिश करेंगे, उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये फैक्टर है कि CH3 क्या है, बल्की ग्रुप है। अब इस CH3 का भी वॉल्यूम होगा, तीन CH3 है, तीनों के वॉल्यूम होगा जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिस वक्त कार्बन पे आके अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी पोजीशंस क्या है, ऑक्यूपाई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर देखें CH3 तीन अटैच है तो इसके तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई होगा, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आके अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को वॉल्यूम एसिड नहीं है इस तो ये इसका कम ये जगह ऑक्यूपाई करेगा। अब CH3 है, ये अगर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है तो इसके लिए कार्बन के पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का एज़ कम्पेयर टू टर्शरी क्या होगा, ईजी होगा। अब प्राइमरी एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसके लिए और ईजी होगा। और मिथाइल इस वजह से सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है कि इसके पास कोई भी आर ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से आके इसको अटैक कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी है। तो इस वजह से जो फर्स्ट वन है SN1 मोस्टली टर्शरी में होता है, औरों में कम होता है, ठीक है। इसको इस बात को हम एंड पे फिर डिस्कस करते हैं। दूसरा कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। SN2 क्या होगा, बाय मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब SN2 में रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब सिंगल स्टेप पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जिस वक्त कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और उसी वक्त ही लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में ही ये दोनों चीज़ें होंगी, न्यूक्लियोफाइल भी उसी वक्त अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप भी उसी वक्त बॉन्ड ब्रेक कर देगा। द रेट डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, टू रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बाय मॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है कि ये दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और सब्सट्रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस वजह से इसे बाय मॉलिक्यूलर कहा जाता है। टेक प्लेस इन वन स्टेप, एक स्टेप में ये दोनों होते हैं। नो कार्बोकैटाइन, यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। ओ एच जैसा अटैक करेगा तो पार्शली कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहा होगा और ब्रोमीन इसके साथ पार्शली बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा होगा, इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है। न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग एंड ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही टाइम पे दोनों बनेंगे। ओ एच बॉन्ड बनाएगा तो बी आर बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देगा। अगर मोर रेडली
विद मिथाइल कंपाउंड एंड प्राइमरी हैलोजन्स। अब ये बात कि प्राइमरी में ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइमरी के लिए यहाँ पे अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने के लिए पोजीशन क्या होगी, इजीली अवेलेबल होगी, ठीक है। इस वजह से SN2 मोस्टली फेवरेबल होते हैं प्राइमरी के केस में और SN1 मोस्टली फेवर होते हैं टर्शियरी के केस में, ठीक है। अब इस दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए SN1 का और SN2 का, तो SN1 क्या था, दो स्टेप थे, SN2 क्या है, सिंगल स्टेप है, ठीक है। SN1 किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है। SN2 किस पे डिपेंड करता है, सब्सट्रेट पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। SN1 में रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप जो था वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। अब SN1 में क्या होगा, पहले आइंस बनेंगे तब बॉन्ड बनेगा, और SN2 में क्या होता है कि एट अ टाइम बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड बन भी रही है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कंडीशन कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं उसको हम देखते हैं। रिएजेंट एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, मीडियम क्या यूज़ हो रहा है, इथेनॉल यूज़ हो रहा है, अगर वाटर यूज़ होगा तो हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल OH है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, अल्काइल हैलाइड जिस वक्त रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH जो होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है और साथ में NaBr बन रहा है। Br जो लिविंग ग्रुप था उसने भी खुद को स्टेबलाइज करना है, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है उसके साथ रिएक्शन करके स्टेबल हो जाएगा NaBr, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन है, उसमें हमने ये कहा था कि इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो जो रिएक्टेंट के बाद की स्टेज और प्रोडक्ट से पहले की स्टेज है उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट को इस एरो से शो किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि रिएक्टेंट भी बॉन्ड बना रहा है और प्रोडक्ट भी बॉन्ड बना रहा है, पार्शली दोनों बॉन्ड बना रहे हैं और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये इसको सेपरेट करना रिएक्शन मिक्सचर से पॉसिबल नहीं होता, ये विद इन नो टाइम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि SN2 रिएक्शन में जिस वक्त OH आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस स्टेट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब यही बात अगर हम SN1 के केस में कहेंगे तो SN1 में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्या है कि R पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, X नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, साथ में न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है। SN1 में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, और SN2 में क्या बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन, अब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। SN1 में सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, तो इट्स मीन कि वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। SN2 में सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है, तो इट्स मीन कि वो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें अगर SN1 एंड SN2 को कंपैरिजन किया जाए तो रेट किस पे डिपेंड करता है, SN1 के केस पे RX पे डिपेंड करता है, ठीक है। RX क्या है, सब्सट्रेट है, अल्काइल हैलाइड है, और SN2 के केस पर किस पे डिपेंड करता है, RX पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल आके कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करें, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट SN1 के केस में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, SN2 के केस में इंटरमीडिएट नहीं बनता, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर ऑफ स्टेप्स की बात की जाए तो SN1 में कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, और SN2 में कितने स्टेप हैं, 1 स्टेप है, ठीक है। और मोस्टली होते किस कार्बोकैटाइन में, कौन से अल्काइल हैलाइड में, SN1 टर्शियरी में होता है, ठीक है, और SN2 कौन से अल्काइल हैलाइड में, प्राइमरी में अल्काइल हैलाइड में। और ये रीज़न भी पूछी जाती है कि प्राइमरी में क्यों फेवरेबल है SN2 के केस में, ठीक है। तो आपने ये मेंशन करना है कि जिस वक्त उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उसको ये पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। तो जितने कम अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जिस वक्त ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे या बल्कि ग्रुप अटैच होंगे तो वो हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस
क्रिएट कर देंगे। अब हिंड्रेंस किसे कहते हैं? हुजम को। तो जिस वक्त जितना ज़्यादा हुजम होगा उतना ही रिएक्शन के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ज़्यादा फेवरेबल SN2 के लिए क्या है, प्राइमरी है, और SN1 के लिए क्या ज़्यादा टर्शियरी है, क्योंकि वो आइंस में कन्वर्ट होते हैं, तो इस वजह से उस पर एट अ टाइम अटैक नहीं करता। और SN जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो किस पे फेवरेबल है, वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। वो SN1 भी कर सकता है और SN2 रिएक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने रिवाइज करना काफ़ी है। थैंक यू।